भी बहुत ज्यादा थैंक यू आप लोग अपने शिविर से यहाँ आए। मैं कोई एक्टिविस्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक वाइफ हूँ, तो वाइफ की तरह से ये केस आपके सामने रखना चाहूंगी। मिहिर भाई ने जो बातें कही एज एन एडवोकेट एज एन एक्टिविस्ट वो उनकी जगह बिल्कुल सही है, मगर मैं जो बातें आपसे कहूंगी देन यू डिसाइड। 30 अक्टूबर अडवाणी जी की यात्रा पूरे देश में भारत बंद का ऐलान, बहुत जगह राइट्स हुए, ये 133 लोग जो थे वे रायटियर्स थे, कोई सादा सीधे इंसान बैठ के बातें कर रहे थे या फैमिली के साथ टीवी नहीं देख रहे थे, बाहर जाके आर्सनिंग कर रहे थे, मस्जिद चला रहे थे, मुस्लिमों के घर चला रहे थे। वहां की लोकल पुलिस ने इनको पकड़ा है, अरेस्ट किया है। संजीव उस वक्त ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर दूर थे, वो उनका जुरिस्डिक्शन नहीं था। सो संजीव नेवर एवर अरेस्टेड एनी वन ऑफ देम, वो उनकी कस्टडी में कभी भी नहीं थे और ना ही उन्होंने इनको कभी भी इंटरोगेट किया है। ये सब काम वहां की लोकल पुलिस ने किया है और संजीव का तो ये जुरिस्डिक्शन भी नहीं था। संजीव भट्ट का फर्स्ट पोस्टिंग, ही वॉज 24-25 ईयर्स ओल्ड, बहुत ज्यादा सपने थे आंख में कि देश में ये कर दूंगा वो कर दूंगा, सिस्टम से करूंगा, ड्यूटी एकदम ऑनेस्टली करूंगा, अगर सभी सही करूंगा तो फिर प्रॉब्लम क्या है, मगर सभी सही किया तो ही प्रॉब्लम है। आज देखो हम लोग यहाँ है, शायद सभी सही ना करते तो वेनिस वेनिस में वैकेशन कर रहे होते, मगर ये ऑनेस्टी की सजा है जो आज हम लोग पूरा भुगत रहे हैं। ये सबको 30 अक्टूबर को अरेस्ट करके 1 नवंबर को जुडिशियल कस्टडी में दे दिया जाता है। एक भी पुलिस वाला ऐसा नहीं है जिन्होंने देखा हो कि संजीव भट्ट ने इनको लॉकअप में डाला या बाहर निकाला या मारा या इनको इंटरोगेट किया। जब उनको जुडिशियल या पुलिस कस्टडी में रखते हैं तो डॉक्टर्स होते हैं वहां, तो उनका मुआयना एग्जामिन करते हैं, फॉर्म भरा जाता है कि कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत कोई इंजरी एक्सटर्नल कुछ, नथिंग एट ऑल, नो कंप्लेंट्स एट ऑल। रही बात जो उन्होंने कहा कि शायद कोई पुलिस कस्टडी में हो तो कंप्लेन नहीं करता है, मीर भाई ने कहा, मैं वहां कहना चाहूंगी कि ये जो 133 लोग थे वो जब बाहर राइटिंग कर रहे थे तब पुलिस वालों ने उनको जबरदस्ती से पकड़ा था, उनमें से 24-25 लोग ऐसे भी थे जिनको छोटी मोटी चोटी आई थी बाकी लोकल पुलिस, और उन्होंने विदाउट डरे हुए प्यार से मजिस्ट्रेट को कहा था कि साहब हमें हॉस्पिटल भेजो, हमें यहाँ थोड़ा वक्त लगा है, मगर वो जो लोग गए थे उनमें से ये लोग नहीं थे, प्रभुदास भाई और उसका भाई नहीं थे, दे वर नॉट देयर। सो ये डर की बात नहीं है। दूसरी बात, ये होने के 30 दिन में तो संजीव की ट्रांसफर हो जाती है, वी गो टू राजपिपला भरूच, तो बाद में भी डरने की बात नहीं है। 24-25 साल का जवान लड़का जीन्स और टी शर्ट पहन पहली बार जाम जोधपुर जाता है, ना उसको कोई जानता है ना वो किसी को जानता है, फॉर द फर्स्ट टाइम ही गोस देयर, तो किसी के सामने उसका कोई ग्रीवेंस हो या उनके सामने किसी का ग्रीवेंस हो कोई नहीं सकता। तो अगर ये पुलिस वाला है वो भी पहचान, अगर ऐसे स्ट्रीट पे चले तो वैसे भी नहीं पहचान पा सकते कि पुलिस वाला है, जीन्स टी शर्ट पे तो कोई भी हो सकता है। सो दैट वॉज बात थे। फिर यहां से उनको ले जाते हैं जुडिशियल कस्टडी में दे देते हैं। जुडिशियल कस्टडी में जाने से पहले अगेन मजिस्ट्रेट के सामने कहा जाता है, पूछा जाता है, वो आराम से चलते हुए आए हैं सभी लोग स्वस्थ तंदुरुस्त, वैसे ही वापस भी जाते हैं। अगेन व्हेन दे गो टू द जुडिशियल कस्टडी दे वर अगेन एग्जामिन बाय द डॉक्टर, द रिपोर्ट्स वर बीइंग टेकन केयर ऑफ, वहां भी कोई कंप्लेंट नहीं कुछ भी नहीं नथिंग एट ऑल। उनको बेल मिल जाती है और फिर वो बेल से बाहर रिहा हो जाते हैं। सो आफ्टर 18 डेज ऑफ द पुलिस कस्टडी वन ऑफ द पर्सन डाइज,
मुझे भी दुख है ये बात का कि किसी के घर का कोई इंसान गुजर जाता है। उनको जब उनके फैमिली को उनका डेड बॉडी दिया जाता है तब भी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं की। इन बिटवीन प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्होंने सावधानी कहा भी कोई कंप्लेन नहीं की, नहीं कभी कोई ब्रूसिस इंटरनल एक्सटर्नल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नथिंग एट ऑल। फिर जब ये बॉडी लेके ये लोग जामनगर जाते हैं तो बीच में चाय पानी करने के लिए रुकते हैं। अब ये पूरे के पूरे सभी ये जो प्रभुदास वैष्णवी थे, उनके भाई रमेश वैष्णवी, एक अमृत वैष्णवी, सभी वीएचपी वाले थे और वीएचपी से एफिलिएटेड थे पूरा फैमिली। दूसरे वीएचपी एक्टिविस्ट उनको मिलते हैं और ये अमृत लाल वैष्णवी को कहते हैं कि अरे तुमने पोस्टमार्टम नहीं कराया, कराता तो 2 लाख रुपए मिलते। ये बात है तब वो वही के वही एक एप्लीकेशन लिखता है और उसमें लिखता है कि मैं जब गया पुलिस स्टेशन तो उनका लटका के रमेश और ये प्रभुदास वैष्णवी को बंदूक के गोले से मार रहे थे। दैट इज व्हाट ही राइट्स। मगर वही बात रमेश वैष्णवी खुद अपनी एफआईआर में अपनी जुबानी में कहता है कि हमें कभी संजीव भट्ट ने या किसी अफसर ने उल्टा नहीं लटकाया, मारा नहीं। सो वो एफआईआर में ही कॉन्ट्राडिक्शन है। सो दैट इज देयर। अब ये बात फिर वो गुजर जाते हैं, वो उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट होता है, वो जो एप्लीकेशन करी गई दैट बिकम्स द एफआईआर। और तब से लेके ये बात है एक ही संजीव भट्ट को 5 सितंबर नाउ वी कम अगेन टू द प्रेजेंट 5 सितंबर 10 महीने पहले 10 महीने 6 दिन सुबह में 8 बजे मेरे घर में 30-40 पुलिस वाले आ जाते हैं अंदर का प्रीटेक्स्ट से संजीव भट्ट को क्वेश्चनिंग करना है कि इस बारे में तो कि 23-year-old एक केस है उसके बारे में। अब वो केस क्या था कि वो केस तो सेशंस में भी नहीं रहा, हाईकोर्ट में भी नहीं रहा, राजस्थान का केस था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे भी कर दिया था। सो दे वांटेड टू री इन्वेस्टिगेट द ऑलरेडी इन्वेस्टिगेटेड केस विच वॉज स्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। आप सबको भी बहुत ज्यादा थैंक यू, आप लोग अपने शेड्यूल से यहाँ आए। मैं कोई एक्टिविस्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक वाइफ हूँ, तो वाइफ की तरह से ये केस आपके सामने रखना चाहूंगी। मिहिर भाई ने जो बातें कही एज एन एडवोकेट एज एन एक्टिविस्ट वो उनकी जगह बिल्कुल सही है, मगर मैं जो बातें आपसे कहूंगी थैंक यू डिसाइड। 30 अक्टूबर अडवाणी जी की यात्रा पूरे देश में भारत बंद का ऐलान, बहुत जगह रायट्स हुए। ये 133 लोग जो थे वे रायटियर्स थे, कोई सादा सीधे इंसान बैठ के बातें कर रहे थे या फैमिली के साथ टीवी नहीं देख रहे थे, बाहर जाके आर्सनिंग कर रहे थे, मस्जिद जला रहे थे, मुस्लिमों के घर जला रहे थे। वहां की लोकल पुलिस ने इनको पकड़ा है, अरेस्ट किया है। संजीव उस वक्त ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर दूर थे, वो उनका जुरिस्डिक्शन नहीं था। सो संजीव नेवर एवर अरेस्टेड एनी वन ऑफ देम, वो उनकी कस्टडी में कभी भी नहीं थे और ना ही उन्होंने इनको कभी भी इंटरोगेट किया है। ये सब काम वहां की लोकल पुलिस ने किया है और संजीव का तो ये जुरिस्डिक्शन भी नहीं था। संजीव भट्ट का फर्स्ट पोस्टिंग ही वाज 24-25 इयर्स ओल्ड, बहुत ज्यादा सपने थे आंख में कि देश में ये कर दूंगा वो कर दूंगा, सिस्टम से करूंगा, ड्यूटी एकदम ऑनेस्टली करूंगा, अगर सभी सही करूंगा तो फिर प्रॉब्लम क्या है। मगर सभी सही किया तो ही प्रॉब्लम है, आज देखो हम लोग यहाँ है। शायद सभी सही ना करते तो वेनिस वेनिस में वैकेशन कर रहे होते, मगर ये ऑनेस्टी की सजा है जो आज हम लोग पूरा भुगत रहे हैं। ये सबको 30 अक्टूबर को अरेस्ट करके 1 नवंबर को जुडिशियल कस्टडी में दे दिया जाता है। एक भी पुलिस वाला ऐसा नहीं है जिन्होंने देखा हो कि संजीव भट्ट ने इनको लॉकअप में डाला या बाहर निकाला या मारा
या इनको इंटरोगेट किया, जब उनको जुडिशियल या पुलिस कस्टडी में रखते हैं तो डॉक्टर्स होते हैं वहाँ, तो उनका मुआयना एग्जामिन करते हैं, फॉर्म भरा जाता है कि कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई इंजरी एक्सटर्नल कुछ, नथिंग एट ऑल, नो कंप्लेंट्स एट ऑल। रही बात जो उन्होंने कहा कि शायद कोई पुलिस कस्टडी में हो तो कंप्लेन नहीं करता है, वीर भाई ने कहा, मैं वहां कहना चाहूंगी कि ये जो 133 लोग थे वो जब बाहर राइडिंग कर रहे थे तब पुलिस वालों ने उनको जबरदस्ती से पकड़ा था। उनमें से 24-25 लोग ऐसे भी थे जिनको छोटी मोटी चोटी आई थी बल्कि लोकल पुलिस, और उन्होंने विदाउट डरे हुए प्यार से मजिस्ट्रेट को कहा था कि साहब हमें हॉस्पिटल भेजो, हमें यहाँ थोड़ा वक्त लगा है। मगर वो जो लोग गए थे उनमें से ये लोग नहीं थे, प्रभुदास भाई और उसका भाई नहीं थे, they were not there. So, ये डर की बात नहीं है। दूसरी बात, ये होने के 30 दिन में तो संजीव की ट्रांसफर हो जाती है, we go to राजपिपला, तो बात भी डरने की बात नहीं है। 24-25 साल का जवान लड़का जीन्स और टी शर्ट पहन पहली बार जाम जोधपुर जाता है, ना उसको कोई जानता है ना वो किसी को जानता है, फॉर द फर्स्ट टाइम ही गोस देयर, तो किसी के सामने उसका कोई ग्रीवेंस हो या उनके सामने किसी का ग्रीवेंस हो कोई नहीं सकता। तो अगर ये पुलिस वाला है वो भी पहचान, अगर ऐसे स्ट्रीट पे चले तो वैसे भी नहीं पहचान पा सकते कि पुलिस वाला है, जीन्स टी शर्ट पे तो कोई भी हो सकता है। सो दैट वॉज बात थे। फिर यहाँ से उनको ले जाते हैं जुडिशियल कस्टडी में दे देते हैं। जुडिशियल कस्टडी में जाने से पहले अगेन मजिस्ट्रेट के सामने कहा जाता है, पूछा जाता है, वो आराम से चलते हुए आए हैं सभी लोग स्वस्थ तंदुरुस्त, वैसे ही वापस भी जाते हैं। अगेन व्हेन दे गो टू द जुडिशियल कस्टडी दे वर अगेन एग्जामिन बाय द डॉक्टर, द रिपोर्ट्स वर बीइंग टेकन केयर ऑफ, वहां भी कोई कंप्लेंट नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग एट ऑल। उनको बेल मिल जाती है और फिर वो बेल से बाहर रिहा हो जाते हैं। सो आफ्टर 18 डेज ऑफ द पुलिस कस्टडी वन ऑफ द पर्सन डाइज। मुझे भी दुख है ये बात का कि किसी के घर का कोई इंसान गुजर जाता है। उनको जब उनके फैमिली को उनका डेड बॉडी दिया जाता है तब भी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं की। इन बिटवीन प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्होंने सावधानी वहां भी कोई कंप्लेन नहीं की, नहीं कभी कोई ब्रूसिस इंटरनल एक्सटर्नल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, नथिंग एट ऑल। फिर जब ये बॉडी लेके ये लोग जामनगर जाते हैं तो बीच में चाय पानी करने के लिए रुकते हैं। अब ये पूरे के पूरे सभी ये जो प्रभुदास वैष्णवी थे, उनके भाई रमेश वैष्णवी, एक अमृत वैष्णवी, सभी वीएचपी वाले थे और वीएचपी से एफिलिएटेड थे पूरा फैमिली। दूसरे वीएचपी एक्टिविस्ट उनको मिलते हैं और ये अमृत लाल वैष्णवी को कहते हैं कि अरे तुमने पोस्टमार्टम नहीं कराया, कराता तो 2 लाख रुपए मिलते, ये बात है। तब वो वही के वही एक एप्लीकेशन लिखता है और उसमें लिखता है कि मैं जब गया पुलिस स्टेशन तो उनका लड़का के रमेश और ये प्रभुदास वैष्णवी को बंदूक के गोले से मार रहे थे, दैट इज व्हाट ही राइट्स। मगर वही बात रमेश वैष्णवी खुद अपनी एफआईआर में अपनी जुबानी में कहता है कि हमें कभी संजीव भट्ट ने या किसी अफसर ने उल्टा नहीं लटकाया, मारा नहीं। सो वो एफआईआर में ही कॉन्ट्राडिक्शन है, सो दैट इज देयर। अब ये बात फिर वो गुजर जाते हैं, वो उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट होता है, वो जो एप्लीकेशन करी गई दैट बिकम्स द एफआईआर, और तब से लेके ये बात है। एक ये संजीव भट्ट को 5 सितंबर, नाउ वी कम अगेन टू द प्रेजेंट, 5 सितंबर 10 महीने पहले, 10 महीने 6 दिन सुबह में 8 बजे मेरे घर में 30-40 पुलिस वाले आ जाते हैं अंदर का प्रीटेक्स्ट से संजीव भट्ट को क्वेश्चनिंग करना है कि इस बारे में, तो कि 23-year-old एक केस है उसके बारे में। अब वो केस क्या था कि वो केस तो सेशंस में भी नहीं रहा, हाईकोर्ट में भी नहीं रहा, राजस्थान का केस था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे भी कर दिया था। सो दे वांटेड टू री इन्वेस्टिगेट द ऑलरेडी इन्वेस्टिगेटेड केस विच वॉज स्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट,
और पेशेंट इंटरव्यू तो आपका यही थे 23 साल से यहीं पे तो है, कभी भी आते कोई भी पूछता, मगर नहीं। 5 सितंबर को ये लोग आते हैं, 4 सितंबर को इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, 5 सितंबर एज अ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन संजीव को अरेस्ट करके ले जाते हैं। हमारे अहमदाबाद से पानी का रास्ता 7 घंटे का है, 7 घंटे जाओ 7 घंटे वापस आओ, तो आप 4 को इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हो, 5 के दिन आपके इन्वेस्टिगेशन इस तरह का हो जाता है कि इट बिकम्स वेरी एविडेंट कि भाई झाड़ के संजीव भट्ट को अरेस्ट करो, बात खत्म। उसने उसको आज तक कस्टडी में रखा है, सिंस 10 मंथ्स एंड 6 डेज हमें उसमें बेल नहीं मिल रही। एक बाजू एक केस है जो बहुत स्लो चल रहा है, बहुत ही ज्यादा, जिससे 3-3.5 महीने एक एक कोर्ट में जाते हैं, सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और फिर भी बेल नहीं मिल रही। दूसरी बात, जो उसको कस्टडी में रखते हुए उसको अपने ही केस में ना आए उस हिसाब से दूसरा केस डे टू डे बेस पे चलाया जाता है। ये केस 5 सितंबर ऑनवर्ड्स और स्पीड पकड़ता है, जो केस की ये समरी हो गई थी जैसा मिहिर साहब ने बताया। जैसे ही नानावती मेहता कमीशन में 2011 में संजीव डिपोज करते हैं, उसी दिन शाम से ये सब बातें शुरू हो जाती। टिल देन स्टेट वाज डिफेंडिंग ऑफिसर, बराबर, मगर हमारे सामने बोले क्यों? अच्छा बोले तो चल, अब ये तुम्हारा मिश्र करते दिखा दे दुनिया को कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। दे आर ट्राइंग टू सेट एन एग्जांपल आउट ऑफ संजीव, व्हिच आर एज अ वाइफ शुड नॉट अप्रूव एंड यू एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया शुड नॉट अप्रूव इदर। तो कौन पुलिस वाला काम करेगा कल जाके ये बताओ मुझे? अगर आप रेड करो तो प्रॉब्लम, रेड ना करो तो प्रॉब्लम, अरेस्ट करो तो प्रॉब्लम, अरेस्ट ना करो तो प्रॉब्लम, आप किसी को चाटा मारो तो प्रॉब्लम, चाटा ना मार के जाने दो तो प्रॉब्लम, सो व्हाट एन ऑफिसर शुड डू? मगर पता नहीं, अगर आप पॉलिटिकल बॉसेस के अनुसार काम करो, वो कहे उस तरह से जियो, देन यू आर फाइन। अगर आपने बताया कि ये गलत है तो यू आर नॉट। सो 2011 में डिपोज करते हैं संजीव भट्ट और पूरा एक्सपोज करते हैं कि दिस इज व्हाट हैड हैपेंड इन 2002 राइट्स, तब से लेके ये बात शुरू हो जाती है। संजीव को सस्पेंड किया जाता है, हमारी सिक्योरिटी चली जाती है, फिर संजीव को डिसमिस किया जाता है, फिर हमारा घर तोड़ देते हैं, मुझे एक्सीडेंट कराते हैं, संजीव को कस्टडी में ले लेते हैं, 10 महीने से भी वो वहीं पे, दूसरे केस पे उसको कन्विक कर देते हैं। अब इसको आप बेंडेगा नहीं कहोगे तो प्यार कहोगे क्या? ये बहुत बुरी बात, बट दे कैन गो टू एनी लेवल एज फार एज दिस इज कंसर्न्ड। जिस दिन जजमेंट आता है, अच्छा मैं कुछ एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगी, वाली बात जो मिहिर भाई ने कही, 300 विटनेस उसमें से सिर्फ 33 को लिए जाते हैं, 32 और 33, एक भी विटनेस रिलेवेंट नहीं है। ये केस को 91 में सीआईडी क्राइम को सौंपा जाता है, सीआईडी क्राइम 300 विटनेसेस को बुलाता है, देयर वर 5 साल इन्वेस्टिगेशन चलता है, उसमें ऑलमोस्ट 2500 या 3000 तक के पेपर वर्क पड़े हैं। सभी विटनेसेस को एग्जामिन करने के बाद दे कम टू अ कंक्लूजन कि देयर इज नो एविडेंस व्हिच प्रूव्स दैट दीस पीपल वेर एवर इन द कस्टडी ऑफ संजीव भट्ट फॉर अ कस्टोडियल डेथ। अ मैन हैज डाइड इन अ कस्टडी, आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग ऑन दैट पॉइंट। सो ये बात है, जो ये तो 18 दिन की बात हुई है। अगर कोई बाहर से आप किसी को गिरफ्तार करते हो, उसकी मेडिकल हिस्ट्री नहीं पूछते हैं कभी भी, उसका कोई पर्सनल इलनेस हो सकता है, उसका कोई प्रॉब्लम हो सकता है, बीच बॉड एग्रीमेंटेड या कोई भी चीज हो सकती है। सो दिस हैड नथिंग टू डू विद संजीव। अच्छा, ये जो 32 विटनेसेस है, उनमें से एक भी विटनेस ऐसा नहीं है कि जिसको रिलेवेंट विटनेस आप कह सको। जैसे ये जो सीआईडी क्राइम के अफसर थे जिन्होंने ये इन्वेस्टिगेट किया, जैसे डॉक्टर्स हैं या तो वहां के पुलिस स्टाफ है जिन्होंने उनको देखा हो लाते हुए रखते हुए, व्हाटएवर, नॉट अ सिंगल वन। दो चार तो ऐसे हैं कि एक कमरे से दूसरे कमरे में खाली फाइल देने गए, वो वैसे है। सो ऐसे 32 विटनेसेस को उन्होंने रैपअप कर दिया। बीच में ये लोग सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, एक एक्सपार्टी ऑर्डर लेके आते हैं कि ये ट्रायल अभी जो चल रहा है वो स्लो है,
डे टू डे बेस पे चलने वाला ट्रायल जो स्लो है और उसको एक फिक्स डेट दे दो तब तक उसको खत्म किया जाए. सो 20th जून डेट दी जाती है. हमें बिना पूछे कि ट्रायल कहाँ तक पहुंचा, आपने कोई डिफेंस विटनेस एग्जामिन किए नहीं किए, कुछ भी नहीं. सो ये कोर्ट रैप अप करती है अपना 32 विटनेसेस में. वी आर नॉट अलाउड, एक भी डिफेंस विटनेस हमें एग्जामिन करने नहीं दिया जाता है. और ये ट्रायल पूरा फर्स्ट क्लास तरीके से 20 जून तक अनाउंस कर देते हैं. ये जजमेंट ट्रायल तो कर ही देते, जजमेंट भी 20 जून को दे देते हैं. इन द्वारा हमने डॉक्यूमेंट्स मांगे थे कि आज तक जो सीआईडी क्राइम ने जो रिपोर्ट्स करी थी और स्टेट जिस बेसिस पे कह रहा था कि हम अपने ऑफिसर्स को डिफेंड कर रहे हैं, तो हमें वो डॉक्यूमेंट्स दो, क्योंकि दो डॉक्यूमेंट्स आर रिलेवेंट कि वो डॉक्यूमेंट्स जिसके बेस पे स्टेट हमें प्रोटेक्ट कर रही थी, तो हम भी वो डॉक्यूमेंट्स लेना चाहेंगे. हमें एक भी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया गया. तब हमने एप्लीकेशन करी थी, उस पर लिखा था कि एक दिन आएगा जब आप कहोगे कि डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं. और सचमुच जब डॉक्यूमेंट्स मांगे तो यही कहा कि डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं. सो नो डॉक्यूमेंट्स, नो डिफेंस विटनेसेस. ट्रायल फटाफट रैप अप कर रहा. उनके प्रोसिक्यूशन की तरफ से 32 विटनेसेस व्हिच हैड नथिंग टू डू विद द केस और हार्डली समथिंग टू डू विद द केस. अब ये बात में आप 302 लगा देते हो एक ऑनेस्ट ऑफिसर को और जिन्होंने पूरी जिंदगी तो ये बात है. जिस दिन जजमेंट आता है उस दिन मैं कोर्ट में सचिव के साथ थी. हमें मिलने नहीं दे रहे हैं, ना नहीं कहते हैं कि नहीं मिलने देंगे, मगर वो सिचुएशन ऐसी कर देते हैं, इतनी अगली कर देते हैं कि हम भी कहें कि नहीं हम नहीं मिलना चाहेंगे, मैं कोर्ट में मिल लूंगी. सो ये उनकी टैक्टिक्स है ये सब. तो उस दिन ये जजमेंट आता है और सजीव इनफैक्ट ही इज डिसअपॉइंटेड और वो कहते हैं कि 32-35 साल जहाँ नौकरी की इसका ये सीधा इलाज. सो दैट वॉज वेरी सैड. इनफैक्ट उस दिन कोर्ट में 200 से 300 पुलिस वाले थे. ईच एंड एवरीबडी वॉज ड्रेस्ड इन अ लॉयर्स यूनिफॉर्म, ब्लैक पैंट व्हाइट शर्ट विद वेपन्स. उनके लिए 5 दिन से जामनगर में दर्जी की खाते कपड़े सिले जा रहे थे. तो क्या ये लोग को पता था कि क्या जजमेंट होने वाला है? सभी प्रिपरेशन हो चुकी थी. ये जितने लोग थे पुलिस वाले वो सबको बाजू की डिस्ट्रिक्ट से बुलाए गए थे. वेल प्लान्ड एब्सोल्युटली. खाली हमें ही नहीं पता था कि हमारे साथ ये होने वाला है. सो दिस इज व्हाट रियली हैपेंड.